नमस्कार, स्वागत है आपका इस दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर बस अड्डे के निकट निर्माणाधीन मकान में एक प्रवासी का शव हुआ बरामद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को लिया कब्जे में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा मौत का खुलासा। पिछले 3 महीनों से प्याज के दामों में बेताशा इजाफा होने के चलते प्याज बाजार से होने लगा गायब। अचानक ही प्याज के दामों में भारी वृद्धि होने से अब लोग भी परेशानी के दौर से गुजर रहे। महंगाई के दौर में महंगा प्याज गृहिणियों की रसोई का भी बिगाड़ रहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश शूटिंग बॉल संघ ने कस ली है कमर। हमीरपुर में 2 दिवसीय शूटिंग बॉल नेट प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। प्रतियोगिता में 8 प्रदेशों के 85 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। संसार द्वारा अनेकों प्रयास किए जाने के बाद भी पर्यावरण पर संकट बढ़ता जा रहा। ऐसी स्थिति के जारी रहते धरती से मानव के विलुप्त होने की आशंका बढ़ गई है, कहा पर्यावरणविद आचार्य रतनलाल परमार ने।